हेलो फ्रेंड्स, 35 का माइलेज देने वाली सीएनजी सिलेरियो पेस है आपके सामने एंड ऑफ 2022, जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर बिल्कुल 2022 के एंड में निकाली गई गाड़ियाँ हैं। सिलेरियो हो गई है, ब्लेनो हो गई है, XL6 हो गई है, इस तरह की गाड़ियाँ जो है सीएनजी के अंदर भी अवेलेबल होने लग गई है। मारुति सुजुकी हमेशा ही LPG CNG इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है और सबसे पहले और सबसे अच्छी गाड़ी CNG के अंदर लाने वाली मारुति सुजुकी है। तो यहाँ पर CNG का सिलेंडर अच्छे से फिक्स किया गया है, स्टेपनी भी है, एक्स्ट्रा टायर, बूट का स्पेस भी आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है, पार्सल ट्रे लगी हुई है, इस तरह का आपका बूट भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा गया है। सिलेरो की बेजिंग के साथ में आपको यहाँ पर क्रोम वर्क भी मिल जाता है काफ़ी अच्छी तरीके से। बैकलाइट देख लीजिए, इसके अलावा यहाँ पर फ्यूलिंग सिस्टम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर CNG का फिलिंग होता है, यहाँ पर जो है आपका पेट्रोल का फिलिंग होता है, दोनों एक ही जगह मिलता है। ये बहुत ही अच्छा किया है इस वाली गाड़ी के अंदर आपको। और गाड़ी का साइड लुक देख लीजिए किस तरह का है यहाँ पर, और रेन वाइजर लगे हुए हैं बिल्कुल साइड में, क्लैडिंग भी लगी हुई है, सिल्वर टच भी दिया गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। साइड में टर्न इंडिकेटर भी दे रखे हैं यहाँ पर, और हेडलाइट देख लीजिए टर्न इंडिकेटर के साथ में आपको यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल और लुकिंग सिंपल और मतलब मिड रेंज हैचबैक गाड़ी मान सकते हैं इसको, क्योंकि एंट्री लेवल पर तो आपको ऑल्टो 800, ऑल्टो K10 या फिर क्विड है इस तरह की देखने को मिलेगी, लेकिन ये गाड़ी थोड़ी सी अटके है यहाँ पर सिलेरियो, क्योंकि इसका इंटीरियर पहले से था। और यहाँ पर R14 का 165/70 में आपको टायर मिल जाता है, और यहाँ का जो कैप भी मिल जाता है, व्हील कैप भी मिल जाता है, इसके अलावा टर्न इंडिकेटर मिल जाता है साइड में आपको, ये ब्लैक कलर की जो है आपको स्किड मिल जाती है, और यहाँ पर जो है टायर्स के कप होल्डर मिल जाते हैं, इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। साइड से काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। बॉडी कलर के अंदर URVM मिल जाते हैं, बेस ब्लैक रहता है यहाँ पर, और गाड़ी कुछ इस तरह की दिख रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल क्यूट सी गाड़ी दिख रही है, जो कि CNG प्लस पेट्रोल के अंदर मारुति सुजुकी ने सिलेरियो को निकाल दिया है 2022 के अंदर, जो कि काफ़ी डिमांडिंग रहने वाली है 2022 के एंड में, जहाँ पर और गाड़ियाँ सेल देती हैं, काफ़ी अच्छा ऑफर्स देती है, वहाँ पर सिलेरियो और ब्लेनो XL6 इस तरह की CNG निकाल करके काफ़ी डिमांडिंग हो चुकी है वापस से गाड़ियाँ इसकी। तो अपन चलते हैं, पहले मैं आपको बता दूं इसके देख लीजिए डोर हैंडल देख लीजिए किस तरह के हैं। अब अपन थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर की सीटिंग। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर इंटीरियर ब्लैक है बिल्कुल, यहाँ पर चाइल्ड लॉक दे रखा है बिल्कुल, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, और इंटीरियर ब्लैक के साथ में यहाँ पर सिल्वर कलर का लॉक अनलॉक दे रखा है। तो अंदर सीटिंग लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि लेग स्पेस जो है काफ़ी सारा है, मेरी 5.5 फीट की हाइट है, और देखिए काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है, आराम से मैं बैठ सकता हूँ, और सीट वही है जैसा कि दोनों सीट बराबर है, ड्राइवर पोजीशन पे है दोनों सीटें, और लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। रही बात तीन लोगों की, तो तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम कितना है मैं बता देता हूँ, हेडरूम देख लीजिए ठीक ठाक सा हेडरूम है, 4 से 5 इंच की स्पेस मिल जाता है मेरे को, अगर मेरी 5.5 फीट की हाइट है इसी हिसाब से अगर देखें अपन। और हेडरेस्ट मिल जाता है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ पर एक और हेडरेस्ट मिल जाता है इस तरह से, दो हेडरेस्ट है बिल्कुल, और बैक साइड में एक पार्सल ट्रे भी मिल जाती है आपको, यहाँ पर देख लीजिए पार्सल ट्रे है एक, जिस पर आप कुछ सामान रखा हुआ है बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ पर जो है बैक साइड का मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। तो इस तरह से इजीली तरीके से हम लोग जो है इसमें बैठ सकते हैं। वहीं पर हैंडल ग्रेप मिल जाता है आपको इजीली तरीके से, यहाँ पर दोनों साइड एक यहाँ पे मिल जाता है और एक आपको यहाँ पर मिल जाता है, और रूफ कुछ इस तरह की है आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं बैठा हुआ, मैं सेंटर लेता हूँ एक बार, और मैंने जो सेंटर लिया तो यहाँ पर जो है मैं आगे की बात करता हूँ आपसे। सेंटर लेने के बाद में आपको पता चला यहाँ पर बीच वाला व्यक्ति जो है कुछ इस तरह से बैठ पाएगा, ठीक है, बाकी दो लोग इधर पैर रख लेंगे अपने अपने, बीच वाला इस तरह से। यहाँ पर जो आप बीच वाला जो पोर्शन कंसोल देखें यहाँ पर, तो आपको दो कंट्रोल मिल जाते हैं बैक साइड वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको एक हैंड ब्रेक मिल जाता है, और गियर नॉब कुछ इस तरह की है, बैक सीट कवर कुछ इस तरह के हैं जो कि कंपनी फिटेड है बिल्कुल, ये गाड़ी रेडी है बिल्कुल। यहाँ पर जिप मिल जाता है दोनों बैक साइड के लिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड से। बैक डोर कुछ इस तरह का है यहाँ पर जो है सिल्वर कलर का, आपको लॉक अनलॉक का है, यहाँ पर लॉकिंग है, और ये विंडो को अप डाउन करने के लिए आपको यहाँ से करनी पड़ेगी, ठीक है, दोनों साइड से। इसके बाद में फ्रंट वाली बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है आपको। टॉप मॉडल में जो है आपको ये वाला जो है यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाएगा, बेस मॉडल में डिस्प्ले नहीं मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, बेस में कभी भी डिस्प्ले नहीं मिलता है। यहाँ पर स्टूडियो, इस छोटी गाड़ियों की बात करें तो अक्सर सिलेरियो CNG गाड़ी है ये, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको गियर नॉब मिल जाता है, सिंपल वाला गियर नॉब है, जहाँ पर आपको 1 से 5 और रिवर्स गियर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिल्वर कलर की यहाँ पर क्रोम मिल जाता है आपको थोड़ा सा,
और यहीं पर जो है सिल्वर टच यहाँ पर भी दिया गया है, बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एसी वेंट में भी सिल्वर टच दिया गया है दोनों साइड से। इसके अलावा स्टीयरिंग की बात करें तो सिंपल स्टीयरिंग है, बिल्कुल कंट्रोल फुल कंट्रोल नहीं है, स्टूडियो वगैरह कुछ भी इसमें कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडियो होता तो ये टॉप मॉडल के अंदर जाती है। वहीं पर यहाँ पे चले तो 12 वोल्ट का यहाँ पर आपको चार्जर पॉइंट मिल जाता है। एसी का कुछ इस तरह का है, जो कि जो है एसी कंट्रोल दिया गया है और एसी स्विच यहाँ पर है कुछ इस तरह का है। यहाँ पर जो है यहाँ पर हैजार्ड का है, और बाकी दोनों विंडो को कंट्रोल करने का लॉक और अनलॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। फ्रंट डोर कुछ इस तरह का, फ्रंट डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डैशबोर्ड जो है बहुत ही अच्छा, और एक राउंड शेप में शायद सामान रखने में थोड़ा सा गिरेगा यहाँ पर, लेकिन आगे थोड़ा सा गैप है इसके। अब मैं आगे से दिखा दूंगा। यहाँ पर सामने अगर चले तो आपको एक मिरर मिल जाता है, जो कि ये डे नाइट का आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं मैनुअली। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको एक लाइट मिल जाती है, रूफ लाइट, और यहाँ पर जो है वैनिटी मिरर के साथ में लेफ्ट पैसेंजर वैनिटी मिरर मिल जाता है, और राइट हैंड साइड वाला ये टिकट होल्डर के साथ में आपको राइट हैंड साइड ड्राइवर वाला मिल जाता है आपको इस तरह से। यहाँ पर जो है एक पैसेंजर के लिए भी हैंडल ग्रिप मिल जाता है कुछ इस तरह की। सीट कवर कुछ देख लीजिए, काफ़ी ब्यूटीफुल से सीट कवर है, ब्लैक टच है, बिल्कुल इंटीरियर पूरा ब्लैक है यहाँ पर। और अगर इंटीरियर तो पहले भी सिलोरिया का काफ़ी बेस्ट रहा है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर जो है एक रेड कलर की जो मैंने बनाई थी ऑल्टो, वो भी खड़ी है यहाँ पर, देख लीजिए ऑल्टो K10 है ये, काफ़ी क्लासिक लुक है रेड कलर का, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ आपको, तो उससे तो एडवांस है ये वाली गाड़ी थोड़ी सी, ठीक है। प्लस CNG है तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। बैक साइड से गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी है, थोड़ा बाहर निकलते हैं और मैं फ्रंट साइड से फ्रंट डैशबोर्ड से गाड़ी देखना चाहेंगे। मैं ड्राइवर सीट पे बैठने की कोशिश करता हूं और आपको मैं ये दिखाता हूं यहां पर। उससे पहले यहां पर ये डोर जो है पूरा ब्लैक के अंदर है, लॉक अनलॉक सिल्वर टच में है। यहां पर कुछ स्पेस है कुछ रखने के लिए, और लॉक अनलॉक कर सकते हो, तो गाड़ी के अंदर जो है सीटिंग लेंगे। और उससे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर, देखिए आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर सीट एडजस्ट कर सकते हो आप पीठ की साइड से, जो भी बैक साइड से है इसको सीट को यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और नीचे की साइड जो है यहाँ से आप आगे पीछे सीट को कर सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से। आप सीट को एडजस्ट करके यहाँ पर मैं सीटिंग लेता हूँ। सीटिंग लेने के बाद में आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आता है, काफ़ी डिजिटल कर दिया गया है, गाड़ी का इंटीरियर चेंज कर दिया। ये VXI मॉडल है सिलेरियो का, आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें स्टूडियो जो है नहीं है, अगर भी टॉप मॉडल होगा तो स्टूडियो होगा। स्टीयरिंग आपकी फिक्स रहेगी, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर की होल्डर मिल जाता है आपको इसी तरीके से। यहाँ पर CNG में आप इजीली स्विच कर सकते हो फ्यूल और CNG के अंदर, और यहाँ पर जो है आपका एक मिरर को लेफ्ट राइट इस कंट्रोल कर सकते हो दोनों मिरर्स को, और यहाँ पर और ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर जो है लाइट को एडजस्ट करने का है, यहाँ पर आगे से उड खुलने का है। गियर यहाँ पर क्लच ब्रेक और गियर मैनुअल गियर वाली गाड़ी है, और देख लीजिए ये इस मिरर को ORVM को हम जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से दोनों ORVM को, ठीक है। इसके अलावा डैशबोर्ड में कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वेंट है, एयर वेंट है बिल्कुल AC वेंट का इस तरह का, ये यहाँ पर सेंट्रल AC इस तरह से कंट्रोल होगा यहाँ पर, और यहाँ पे स्टूडियो आएगा, यहाँ पर लॉक अनलॉक, और ये सारा कंट्रोल है आगे के दोनों ये वाले ग्लास और इस वाले ग्लास के लिए, ठीक है। कुछ इस तरह की गाड़ी है, फ्रंट आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, जिसमें इनबिल्ड हेडरेस्ट है फ्रंट में, पीछे भी हेडरेस्ट फ्रंट में थे। अब मैं फ्रंट से दिखा देता हूँ पीछे वाला लुक किस तरह से आ रहा है आपका। पीछे वाला लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल ईजिली तरीके से। काफ़ी ब्लैक इंटीरियर में काफ़ी क्लासी लग रही है गाड़ी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रंट में कुछ इस तरह की लगती है, आपको देखने को मिल रहा है, ये फ्रंट प्रोफाइल है इस तरह की, देख लीजिए। इसके अलावा चले तो यहाँ पर जो है SRS एयरबैग मिल जाता है, एक एयरबैग यहाँ पे मिल जाता है, दो एयरबैग आपको हर गाड़ी में मिल जाएगा आजकल, और ABS सभी में रहता है, और ट्यूबलेस टायर सभी में रहते हैं, और तो क्या है यहाँ पर जो है आपको ग्लो बॉक्स देख लें तो अच्छा खासा स्पेस है इस वाले ग्लो बॉक्स के अंदर, ये मेरे को अच्छा लगा थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर जो है कप होल्डर मिल जाते हैं, मोबाइल होल्डर या कुछ कुछ भी आइटम रखने के लिए। बैक साइड में आपको आर्मरेस्ट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, दोनों सीट कवर के लॉक है, और बाकी कुछ खास है नहीं, स्पेस खाली है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा खाली खाली लगेगा, बाकी ठीक है, क्योंकि बोतल होल्डर और कुछ जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो फ्रंट लुक कुछ इस तरह का है। चलते हैं अब गाड़ी से बाहर और देखते हैं इसके हुड को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, और बाहर देखते हैं स्पेसिफिकेशन देखते हैं इंजन के अंदर क्या क्या है, और देख लीजिए गाड़ी कुछ इस तरह की है बाहर से। जैसे ही मैं इंजन ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का इंजन है, जो कि पेट्रोल और CNG का, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से है, देखने को मिल रहा है आपको बिल्कुल।
सीएनजी का और पेट्रोल का दोनों का इंजन इसी कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर आपको मिल जाती है इसके 1998 सीसी, यानी कि एक लीटर के अंदर आपको ये इंजन मिल जाता है। यहाँ पर थ्री सिलेंडर गाड़ी है, 55.92 BHP की पावर मिल जाती है, 82.1 इसका टॉर्क मिल जाता है। यहाँ पर आपको इस तरह की गाड़ी देखने को मिल रही है जहाँ पर 35.6 KMKG का माइलेज दे देती है सीएनजी के अंदर। पेट्रोल के अंदर तो वही समझिए आप, पेट्रोल का जो भी रहता है, और 60 लीटर का इसका पेट्रोल का फ्यूल टैंक मिल जाता है। कुछ इस तरह की गाड़ी है। और अगर इसके लोन EMI की बात करें या फिर ऑन रोड की प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 7,68,000 रुपये की जयपुर ऑन रोड प्राइस है, यानी कि 6,68,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। दिल्ली एक्स शोरूम की बात कर लीजिए, कहीं की भी एक्स शोरूम 6,68,000 रुपये है। तो इसमें RTO और इंश्योरेंस जोड़ के ये 7,68,000 रुपये की गाड़ी पड़ती है आपको। लोन EMI की बात करें यहाँ पर, तो अगर आप 2,68,000 रुपये कैश डाउन पेमेंट दे देते हो यहाँ पर, तो आपको जो है गाड़ी 5,00,000 रुपये का लोन EMI कराना पड़ेगा। तो वहाँ पर 10,000 रुपये EMI आएगी अगर आप 5 साल के लिए करवाते हैं। वहीं पर 7 साल के लिए करवाते हैं तो आपकी जो है 8,000 रुपये की EMI आने वाली है यहाँ पर। तो VXI CNG की प्राइस मैंने बताई है, बिल्कुल आप देख सकते हो। ऑन रोड प्राइस बता दिया है, एक्सोरूम और ऑन रोड प्राइस सारी सब कुछ यहाँ पर, EMI वगैरह सब कुछ बता दिया है मैंने। गाड़ी का लुकिंग कुछ इस तरह की है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में एडजस्ट करते हो और आप चाहते हो कि एक ऐसी गाड़ी हो जो कि हमको मिडिल क्लास फैमिली को फेवर करे, तो बेस्ट गाड़ी है ये। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।